बैजनाथ उपमंडल की बही पंचायत के गांव जमरेला के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव के लोग बांस की तरंगड़ी से खतरनाक रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। इस गांव में लगभग 120 परिवार रहते हैं, लेकिन सुविधा ना मिलने के कारण कुछ परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसे पालकी के सहारे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी समस्या झेलनी पड़ती है। जमरेला सड़क को लेकर अध्यासी अभियंता संजीव सूद से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि 70 लाख रुपए से नए डंगे का निर्माण हो रहा है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। वहीं विधायक मुल्खराज प्रेमी ने कहा कि वे गाँव वालों के हर दुख सुख के साथ हमेशा खड़े हैं और इस गाँव को हर संभव सहायता दी जाएगी। ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत पे, कुछ करने का कुछ भी नहीं है साधन इस वेले, तो ऐसी है नौबत कने चुकी करी हूं। इस वेले कौन है जेड़ा पालकी करी के जाए, या पालकी नीने रस्ता तो थों दिखा नहीं है। हां दो मरीज पहले ही लेंदे बेचारे, तो मंजे च बड़ी मुश्किल ने ऊपर बजाए, कोई साधन नहीं। हाँ तो चाह दे जितनी जल्दी से हाँ रास्ता इतना तो देन वे आदमी है, मरीजों सानिया ने चुकी करी नहीं सकन। इस वेले थी मांजे चे तो चुकी के मरीजों नहीं लवाई सकते, या जेडी तीन तरंगड़ी बनाई थी पालकी या मंजे च नहीं सकता कोई सानिया ने, ये तो दिक्कत है। कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ भी आपके यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र है डिस्पेंसरी, अपन तिथि भी एक बंदे की ड्यूटी है, तिथि पूरी धार दी थी उसे, कभी महीने च एक बार जरूरत पौने पा रही, या त्रीय महीने आंदा तो नहीं आंदा है बंदा। इतो कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जेड़ा भी एट अ टाइम या रोज दिने तो भाई मिले कोई सेवा, या बीपी चेक करना हो इस वेले भी बीपी आई हुई है कुछ कराना चेक इन्हों का, हर घर हूँ हर घर इतना ये तो है नहीं। इतू जमरेले की इतनी हालत खराब है, जो अच्छी पोजिशन होंगी तो जरूर थोड़ी जमरेले रहना मुश्किल है। रोज बच्चे ने सकड़ी वाले बच्चे तो डेली पैदल कुड़ियाँ आंदियाँ जंगल चौंदियाँ, पिछे पिछे भी बड़ी जंगली जानवरों का डर था, सूरी कुछ टाइम सूर मिली आंदा कुछ मिली आंदा, तो हाँ बच्चों तो बड़ी दिक्कत है। हाँ बच्चों कोई साधन नहीं है कि तीन बरखा होए चाहे कितनी ठंड होए कितनी गर्मी होए, तीन बच्चे ने पैदल ही आना जाना है, कहीं सही तरंगड़िए चलाना दो बार तो हमें बच्चे छुटने तो बचे जेड़े पैड़ियाँ लौंदे लौंदे ये हुई है, कहीं चलो दो चार बच्चे सोगी इतना संभाल लिया, अगर 22 बच्चा टिरी आए तो 30 बच्चे तो कोसी के पेरेंट्स इतने नहीं अच्छे नहीं हैं बई जेड़े 30 बच्चे इलाज भी करवाए सकन, ये तो दिक्कत है बई। तो जमरेले वाले वास्ते जिं सोचना चाहता हाँ, तो मते दिन के बार बार जा दे MLA हूँ तिना वह भी गला दे जे नहीं टेंडर नहीं होया गल नहीं हुई, हाँ बोलते इतना रस्ता तो दिया भी जिस चाह इस वेले मेरे बजुर्ग बीमार हैं जमीन जट टाइम इस वेले नीणा पौन तो तिना ती हम मंजे च या पालकी कोई साधन कर सकन। एक तो अदरवाइज सब दिहाड़ीदार है, इस वेले कोई बंदा नहीं मिलने वाला जेड़ा चुकी करी ले आए, रोड हों सुविधा उबरा तक होंगी तो मैं कल भी अपने बजुर्गों चुकी के नहीं सकती, चलो इं तियाँ जनानियाँ लाए बिठाए गड्डिये च ले आए, कने दिक्कत है। हूँ मर्दा ने तो दिहाड़ी करनी होंगी, कोई सारे घर थोड़ी बैठे रहेंगे, ऐसे सारे सोचना चाहता हाँ, तो हर कुछ ने यही रिक्वेस्ट कर दे जमरेले वाले बारे सोचा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट।